सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। मेले की आखिरी रात थी, पूरा चांद उभरता आ रहा था। सहरा की फिजा शीशे की तरह शफाफ थी। मेले में इंसानों के हजूम का कोई शुमार ना था। कहीं नीम बरहाना लड़कियां रक्स कर रही थीं और कहीं गाने वालियों ने मजमा लगा रखा था। सबसे ज्यादा भीड़ इस चबूतरे के इर्द गिर्द थी जहां लड़कियां नीलाम हो रही थीं। एक लड़की को चबूतरे पर लाया जाता, गाहक उसे हर तरफ से देखते, उसका मुंह खोलकर दांत देखते, बालों को उल्टा पुल्टा कर देखते, जिस्म की सख्ती और नरमी महसूस करते और बोली शुरू कर देते थे। वहां जुआ भी था, शराब भी थी, अगर वहां नहीं था तो कानून नहीं था। दूर दूर से आए हुए लोगों के खेमे मेले के इर्द गिर्द नस्ब थे। तमाशाई मजहब और इखलाक की पाबंदियों से आज़ाद थे। इन्हें मालूम नहीं था कि इनसे थोड़ी ही दूर जो पहाड़ियां हैं उनमें एक खूबसूरत लड़की को ज़िबाह करने के लिए तैयार किया जा रहा है और वहां एक इंसान देवता बना हुआ है। वो इतना ही जानते थे कि इन पहाड़ियों में घिरा हुआ इलाका देवताओं का पाया तख्त है, जहां जिन और भूत पहरा देते हैं और कोई इंसान वहां जाने की सोच भी नहीं सकता। इन्हें यह भी मालूम न था कि इनके दरमियान अल्लाह के 500 सिपाही घूम फिर रहे हैं और 12 इंसान देवताओं के पाया तख्त की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के 12 छापामारों को बताया गया था कि पहाड़ियों के अंदरूनी इलाके में दाखिल होने का रास्ता कहाँ से है, लेकिन वहां से वो दाखिल नहीं हो सकते थे क्योंकि वहां पहरे का खतरा था। इन्हें बहुत दुश्वार रास्ते से अंदर जाना था। इन्हें बताया गया था कि पहाड़ियों के इर्द गिर्द कोई इंसान नहीं होगा, मगर वहां इंसान मौजूद थे, जिसका मतलब ये था कि इन हबशी ने अली बिन सुफियान को गलत बताया था कि इन इलाके के इर्द गिर्द कोई पहरा नहीं होता। पहाड़ियों का यह खित्ता एक मील भी लंबा नहीं था और इसी कदर चौड़ा था। वो चूंकि तरबियत याफ्ता छापामार थे, इसलिए वो बिखर कर और एहतियात से आगे गए थे। एक छापामार को इत्तफाक से एक दरख्त के करीब एक मुतहर्रिक साया नजर आया। छापामार छुपता और रेंगता उसके अकब में चला गया, करीब जाकर उस पर झपट पड़ा, उसकी गर्दन बाजू के शिकंजे में लेकर खंजर की नोक उसके दिल पर रख दी। गर्दन ढीली छोड़कर उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ किस किस्म का पहरा है। वो हबशी था। छापामार अरबी बोल रहा था जो हबशी समझ नहीं सकता था। इतने में एक और छापामार आ गया, उसने भी खंजर हबशी के सीने पर रख दिया। इन्होंने इशारों से पूछा तो हबशी ने इशारों में जवाब दिया, जिससे शक होता था कि यहाँ पहरा मौजूद है। इस हबशी की शाहरग काट दी गई और छापामार और ज्यादा मोहतात होकर आगे बढ़े। यकलख्त जंगल आ गया, आगे पहाड़ी थी। चांद ऊपर उठता आ रहा था, लेकिन दरख्तों और पहाड़ियों ने अंधेरा कर रखा था। वो पहाड़ी पर एक दूसरे से ज़रा दूर ऊपर चढ़ते गए। अंदर के इलाके में जहां लड़की को पुरोहित के हवाले किया गया था और ही सरगर्मी थी। पत्थर के चेहरे के सामने चबूतरे पर एक कालीन बिछा हुआ था, इस पर चौड़े फल वाली तलवार रखी हुई थी। उसके करीब एक चौड़ा बर्तन रखा था और कालीन पर फूल बिखेरे हुए थे। उसके करीब आग जल रही थी। चबूतरे के चारों किनारों पर दिए जलाकर चरागा किया था। वहां लड़कियां घूम फिर रही थीं। उनका लिबास दो दो चौड़े पत्ते थे और बाकी जिस्म बरहाना था। चार हबशी थे जिन्होंने कंधों से टखनों तक सफ़ेद चादर लपेट रखी थी। उम्मे अरारा तहखाने में पुरोहित के साथ थी। पुरोहित इसके बालों से खेल रहा था और वो मखमूर आवाज में कह रही थी, मैं अंगुक की माँ हूँ, तुम अंगुक के बाप हो, मेरे बेटे मिस्र और सोडान के बादशाह बनेंगे, मेरा खून इन्हें पिला दो, मेरे लंबे लंबे सुनहरी बाल इनके घरों में रख दो, तुम मुझसे दूर क्यों हट गए हो, मेरे करीब आओ। पुरोहित इसके जिस्म पर तेल की तरह कोई चीज मलने लगा। अंगुक गालबन इस कबीले का नाम था। एक अरबी लड़की को नशे के खुमार ने इस कबीले की माँ और पुरोहित की बीवी बना दिया था। वो कुर्बान होने के लिए तैयार हो गई थी।
पुरोहित आखिरी रसूम पूरी कर रहा था। 12 चापामार रात के कीड़ों की तरह रेंगते हुए पहाड़ियों पर चढ़ते उतरते और ठोकरें खाते आ रहे थे। बहुत ही दुश्वार गुजार इलाका था। बेशतर झाड़ियां खारदार थीं, चांद सर पर आ गया था। उन्हें दरख्तों में से रोशनी की किरणें दिखाई देने लगी। इन किरणों में उन्हें एक हबशी खड़ा नजर आया जिसके एक हाथ में बर्छी और दूसरे में लंबूतरी ढाल थी। वो भी देवताओं के पाए तख्त का पहरादार था। उसे खामोशी से मारना जरूरी था। वो ऐसी जगह खड़ा था जहां इस पर अकब से हमला नहीं किया जा सकता था। आमने सामने का मुकाबला मौजूद नहीं था। एक छापामार झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। दूसरे ने उसके सामने एक पत्थर फेंका जिसने गिरकर और लुढ़ककर आवाज पैदा की। हबशी बिदका और उस तरफ आया। वो जूं ही झाड़ी में छुपे हुए छापामार के सामने आया, उसकी गर्दन एक बाजू के शिकंजे में आ गई और एक खंजर उसके दिल में उतर गया। छापामार कुछ देर वहां रुके और एहतियात से आगे चल पड़े। उम्मे अरारा कुर्बानी के लिए तैयार हो चुकी थी। पुरोहित ने आखिरी बार उसे अपने सीने से लगाया और उसका हाथ थामकर सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। बाहर के चार हबशी मर्दों और लड़कियों को पत्थर के सर और चेहरे के मुंह में रोशनी नजर आई तो वो मुंह के सामने सजदे में गिर गए। पुरोहित ने अपनी जबान में एक ऐलान किया और मुंह से उतर आया। उम्मे अरारा उसके साथ थी। वो उसे कालीन पर ले गया। मर्द और लड़कियां उसके इर्द गिर्द खड़ी हो गईं। उम्मे अरारा ने अरबी जबान में कहा, मैं अंगूक के बेटों और बेटियों के लिए अपनी गर्दन कटवा रही हूँ। मैं इनके गुनाहों का कफारा अदा कर रही हूँ। मेरी गर्दन काट दो। मेरा सर अंगूक के देवता के कदमों में रख दो। देवता इस पर मिसर और सोडान का ताज रखेंगे। चारों आदमी और लड़कियां एक बार फिर सजदे में गिर गईं। पुरोहित ने उम्मे अरारा को कालीन पर दोजानों बिठाकर उसका सर आगे झुका दिया और वो तलवार उठा ली जिसका फल पूरे हाथ जितना चौड़ा था। एक छापामार जो सबसे आगे था रुक गया। उसने सरगोशी करके पीछे आने वालों को रोक लिया। पहाड़ी की बुलंदी से उन्हें चबूतरे और पत्थर का सर नजर आया। चबूतरे पर एक लड़की दो जानों बैठी थी जिसका सर झुका हुआ था। शफाफ चांदनी चरागा और बड़ी मशालों ने सूरज की रोशनी का समासा बना रखा था। लड़की के पास खड़े आदमी के हाथ में तलवार थी। दो जानों बैठी हुई लड़की बरहाना थी। उसके जिस्म का रंग बता रहा था कि हबशी कबीले की लड़की नहीं। छापामार दूर थे और बुलंदी पर भी थे। वहां से तीर खता जाने का खतरा था, मगर वो जिस पहाड़ी पर थे उसके आगे ढलान नहीं थी बल्कि सीधी दीवार थी जिससे उतरना नामुमकिन था। वो जान गए कि लड़की की कुर्बानी की जा रही है और उसे बचाने के लिए वक्त इतना थोड़ा है कि वो उड़कर ना पहुंचे तो उसे बचा नहीं सकेंगे। उन्होंने चोटी से नीचे देखा। चांदनी में उन्हें एक झील नजर आई। उन्हें बताया गया था कि वहां एक झील है जिसमें मगरमच्छ रहते हैं। दाएं तरफ ढलान थी लेकिन वो भी तकरीबन दीवार की तरह थी। वहां झाड़ियां और दरख्त थे। उन्हें पकड़ पकड़ कर वो एक दूसरे के हाथ थाम कर वो ढलान उतरने लगे। उनमें से आखिरी जानबाज ने इत्तफाक से सामने देखा। चांदनी में सामने की चोटी पर उसे एक हबशी खड़ा नजर आया। उसके एक हाथ में ढाल थी और दूसरे हाथ में बर्छी जो उसने तीर की तरह फेंकने के लिए तान रखी थी। छापामारों पर चांदनी नहीं पड़ रही थी। हबशी भी अभी शक में था। आखिरी छापामार ने कमान में तीर डाला। रात की खामोशी में कमान की आवाज़ सुनाई दी। तीर हबशी की शाहरग में लगा और वो लुढ़कता हुआ नीचे आ गया। छापामार ढलान उतरते गए। गिरने का खतरा हर कदम पर था।